नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा पीछे काजू हैं अपने हैमक में, आज हम किसी और पोजीशन पर बैठे हैं। कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा डेलाइट का फायदा ले लूँ, इसलिए एनीवेज आज की चर्चा आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मतलब सोचा ये जरूरी है टॉपिक, और हमारी एज के लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि अब आसपास ऐसे लोग नजर आने लगे हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, तो सबको देखती हूं तो लगता है बापरे किसी का कैसा किसी का कैसा, तो लगा कि क्यों ना इस चीज को डिस्कस किया जाए। किशमिश भी आ रही है, फिर चली गई, शायद आके बैठ जाए हैमक में थोड़ी देर में, तो दोनों आप लोगों को नजर आएंगे पीछे बैकग्राउंड में, कितना अच्छा बैकग्राउंड। तो मेरा एक ग्रुप है, एक तरह तरह के ग्रुप्स हैं, तो उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं। तो किसी कोई एज ग्रुप ऐसा है जो थोड़ा मुझसे सीनियर है, कोई ग्रुप ऐसा है जो मुझसे जूनियर है, कोई हमारे हम एज का है, राइट। तो जब हम छोटे थे, मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी माँ को या चाची को या किसी को भी घर में ऐसा देखा हो कि बुरी हालत में या अजीब अजीब से मूड स्विंग्स या कुछ अजीब हरकतें, कि पता चले कि अरे यार कुछ डिफरेंट है इन लोगों में, इतने ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं या इतने ज्यादा ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है, ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता। तो कभी सोचा ही नहीं कि ये कोई चीज ऐसी होगी जो बहुत बड़ी हवा होगी औरतों के लिए, या ये कभी सोचा ही नहीं। इनफैक्ट ये जरूर सुना था, मेरी जो बड़ी बुआ थी वो हमेशा बोलती थी कि अरे यार ये बंद हो गए तो बड़ा आनंद आ गया है, मेनोपॉज के बाद बड़ा आनंद है, तो ये झंझट ही नहीं रहा। तो मुझे लगता था वाह इट्स अ वेरी गुड थिंग, जब होगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब हम खुद उस उम्र में पहुंचे और अपने आसपास लोगों को उस दौर से गुजरते हुए देखा, तो महसूस हुआ कि भैया इतना भी आसान नहीं है। तो आपको बताऊं, हमारे फ्रेंड सर्कल में एक बंदी है जिसका मेनोपॉज प्री मेनोपॉज जो पीरियड है वो 42 से स्टार्ट हो गया था। 42 हम काफी यंग लगता है, कई लोग तो 40 में माँ बाप भी बनते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं। मेरा लड़का ही 36 में आया था, तो वैसे सोचो तो लगता बाप रे 42 इज टू अर्ली, बट एनीवेज उसका चालू हो गया था। एंड आज के दिन वो मुझसे शायद 1-1.5 साल बड़ी है, लेकिन अभी भी उसका वही पीरियड चल रहा है। लाइक ऑफकोर्स मेनोपॉज हो चुका है, लेकिन जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसका उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो अभी भी हैं। और यही नहीं, एक और फ्रेंड है मेरी, वो शी इज 60 नाउ, उसके तो जब हॉट फ्लैशेस आते हैं तो शी इज लिटरली स्वेटिंग। कहती है रात में जब वो सोने जाती है, कई बार उसको अगर रात में महसूस होता है हॉट फ्लैशेस, तो उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता है, इस हद तक कि शी हैज टू गेट अप एंड चेंज हर बेडशीट, चेंज हर क्लोथ्स एंड देन गो बैक टू बेड। मतलब आप सोच सकते हैं इतना पसीना, थोड़ा भयंकर है। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में बात करें और लोगों को थोड़ा अवेयर कराएं कि सबके अलग अलग होते हैं, सबका दौर अलग होता है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो हम किसी भी चीज को ये ना सोचें कि अरे इनको ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हर जगह हैं। सबकी बॉडी का जो अंदर का कार्यक्रम है ऐसे तो एक है क्योंकि सब औरत है, लेकिन फिर भी उसके जो रिएक्शंस हैं सब डिफरेंट होते हैं। और हर चीज क्या है ना, माइंड से जुड़ी होती है। तो अगर आपका माइंड हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, या किसी दौर से या स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो उसके शायद रिएक्शंस डिफरेंट होंगे, मेरा सोचना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ड्यूरेशन कि कब से कब तक होता है। तो मेनोपॉज का जो पीरियड है वो औरतों में 45 से 55 तक में एज रेंज में चलता है, होता है। तो ये जो लास्ट ओव्यूलेशन साइकिल होता है ये उसके बाद होता है, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ इंडिकेट करता है कि अब आप फर्टाइल नहीं रहे, यानी कि अब आप मां नहीं बन सकते। इस वक्त ऑफ कोर्स हार्मोन्स आर ऑल ओवर द प्लेस, बॉडी जो है एस्ट्रोजन कम प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इसलिए बॉडी में चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब मेनोपॉज के पहले का भी दौर जो होता है वो काफी लंबा होता है। मैंने तो देखा है कि अब मैंने ये पता नहीं महसूस किया है कि बहुत औरतों को आजकल मेनोपॉज से पहले
बहुत ही इरेगुलर पीरियड्स आना, और इरेगुलर में भी ऐसे कि भयंकर पीरियड्स आना कि वो बहुत बहुत दिनों तक चल रहे हैं, तो ब्लड लॉस बहुत होता है। तो जब आपका ब्लड लॉस ज्यादा होता है तो आपके आयन बहुत ही लो हो जाता है। अब लो हो जाएगा आयन तो आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, आप फटीग फील करते हो। और ये एक नहीं, मैंने बहुत औरतों में देखा है आसपास। और इससे रिलेटेड और भी चीज देखी है कि फाइब्रॉइड्स हो जाना यूट्रस के आसपास, फाइब्रॉइड्स का डेवलप होना, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स का प्रॉब्लम होता है और पेन रहता है आपको, आप परेशान रहते हो। बहुत सारी लेडीज हैं जिनके, जो मेरे आसपास हमने देखा है उनका, कि जस्ट अराउंड दिस पीरियड उनका डॉक्टर विल सजेस्ट कि अब आप भैया यूट्रस हटवा दो, क्योंकि आपके पीरियड्स इतनी बुरी तरह हो रहे हैं और ये जो फाइब्रॉइड्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सब मुझे लगता है इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, क्योंकि ये सारी चीजें इसी एज के बाद शुरू होती हैं। अच्छा, हॉट फ्लैशेस की तो बात ही आप छोड़ दें। हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाते हैं प्री से लेके पोस्ट तक चलते रहते हैं, और मतलब कहते हैं 7 से 9 साल तक चलते हैं, तो भगवान ही जाने इतना ज्यादा। अब ये सब बातें सुनती हूँ तो लगता है कि अपनी मदर, तो मेरी मदर जब आई थी लास्ट, तो मैंने तो उनसे पूछ लिया था कि भाई आपके जब मेनोपॉज हुआ तो आपको कुछ पता चला? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ पता नहीं चला, आए गए चला हो गया, पता भी नहीं चला। तो मुझे ऐसा, इसीलिए मुझे और ऐसा लगता है कि चूंकि पहले दिनों में कैसा था ना कि औरतों का स्ट्रेस वॉज ओनली रिलेटेड टू क्या पकना है, क्या दूसरे कामों में, तो ये जो स्ट्रेस था जो अब हो गया है औरतों को, कि ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, दुनिया भर का स्ट्रेस, ऊपर से कितनी तो सिंगल लेडीज हैं आजकल, तो ये सब स्ट्रेस क्योंकि इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है बॉडी फिर रिएक्ट डिफरेंटली करती है, और जो चीज पहले सिंपल हुआ करती थी वो आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है। मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि क्यों ऐसा था कि हमारे पेरेंट्स या हमारे हमसे बड़ी जो पीढ़ी है, जो हमारे माँ बाप वाली पीढ़ी है, उन्होंने क्यों ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया, क्यों हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मुझे लगता है भाई क्योंकि लाइफस्टाइल बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, हमारा स्टेटस इन द सोसाइटी हैज़ चेंज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गई हैं, तो फिर उस हिसाब से पेन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं लाइफ में। अब लाइफ उतनी सरल और सिंपल ना रही। कई बार कहते हैं कि दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हार्ट पाल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिजीनेस होती है औरतों को, चलते चलते चक्कर आ जाता है, सिवियर हेडेक्स होते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है बॉडी। तो जो जो भी पार्ट आपके थोड़े भी सेंसिटिव है, मे बी ब्रेस्ट है आपका या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो बहुत थोड़ा सा उनमें एक सोनेस रहती है, दर्द सा होता रहता है हर वक्त, पका पका, जिसको मैं पका पका फीलिंग कहती हूँ, कि जैसे पकी पकी फीलिंग आ रही है वैसी होती है, वो भी होता है औरतों को महसूस। स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है। अब यही नहीं, ये सब तो हो ही रहा है शरीर में, ऊपर से जिन चीज़ों से आप अपनी खूबसूरती को रिलेट करते हैं, कि जैसे बाल हैं आपके और दूसरी चीज़ें, तो वो भी चौपट होने लगता है। बाल आपके या तो रूखे हो जाएंगे, शाइन उनसे चला जाएगा, या फिर आपके गिरने लगेंगे, आपको लगेगा हे भगवान सुपर हेयर लॉस चल रहा है, तो हर चीज़ अजीब सी हो जाती है। तो फिर जब चूंकि इतना ज्यादा ड्रास्टिक फर्क आने लगता है, तो फिर उसी हिसाब से हम लोगों को अपनी देखभाल भी करनी चाहिए। ये सब एक इफेक्ट्स हो गए। फिर आपके सेक्सुअल साइड या आपके वजाइना के साइड अगर आप देखें तो ड्राई ट्रैक्स हो जाते हैं, तो फिर इंटरकोर्स अगर आप करना चाहते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो कई बार पेनफुल हो जाता है। तो जिंदगी एक तरफ नहीं, कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन। इचनेस ज्यादा होती है, इनकॉन्टिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ये तो बहुत ही कॉमन है। फिर डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कई बार, मतलब हर तरफ से औरत अनकंफर्टेबली होती है, कोई ऐसा जरिया नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां उसको शांति मिल रही हो। तो फिर सोच लें, उस दौर में भी वो काम कर रही है फुल टाइम, खाना बना रही है घर में, सबको देखभाल रही है, तो फिर इरिटेशन तो होगा ना, मूड स्विंग्स तो आएंगे ही आएंगे, मूड स्विंग्स तो बहुत होते हैं, सिवियर मूड स्विंग्स। और अगर आप देखें, मुझे जो ऐसा लगता है कि बहुत सारी औरतों के जो डिवोर्सेस हैं, पार्टनरशिप्स टूटने या रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन, ये भी इसी टाइम होते हैं, क्योंकि जो चीज़ वो बरसों से झेल रही होती हैं वो इस दौर नहीं झेल पाती। उनको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे शांति चाहिए।
क्योंकि हर तरफ से शरीर उनका उनको अटैक कर रहा है, मेंटली फिजिकली हर तरफ से। फिर मेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं ना, कि मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, जब मैं कबीर की कबीर मतलब मैं छोटे जब लड़के की पैदाइश के बाद मुझे यहाँ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि आप ना बर्थ कंट्रोल के लिए आप मरीना लगवा लें, मरीना इज सॉर्ट ऑफ एन इंसर्शन जो कॉपर्टी टाइप की चीज़ है, बट आप मरीना लगा लें, मरीना इज रियली गुड, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके ब्लड जो पीरियड्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे या मिनिमम हो जाएंगे और आप सेफ भी बहुत है एंड आप कंफर्टेबल रहोगे। तो मैंने एक अपनी फ्रेंड को सजेस्ट किया था, उसको बहुत पीरियड्स में पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन पेन बहुत होता था उसको, कई बार छुट्टी लेनी पड़ती थी काम से। अच्छा वो एज मेरी ही थी उसकी भी, तो मुझे लगा भाई बच्चा बच्चा तो अब करना है नहीं, तो तुम भी मरीना लगवा लो भाई, शांति हो जाएगी थोड़ी, थोड़ा तुम रिलीफ महसूस करोगी। तो उसका यही सोचना था कि यार ऐसे कैसे पीरियड्स नहीं आएंगे, तो मतलब उसको महसूस नहीं होगा कि वो एज उसकी ठीक है, उसको लगेगा कि वो बुढ़ी हो गई। तो इसी हिसाब से जब मेनोपॉज आता है, क्योंकि ये जो साइकिल है फर्टिलिटी का ये खत्म हो गया, यानी अब आप मां नहीं बन सकते, तो कई औरतें ऐसी होती हैं जिनको ये चीज बहुत खटकती अंदर से, कह रहे हम उस दौर में आ गए कि अब हम जवान नहीं रहे, कि अब हम बुढ़ापे की तरफ निकल पड़े। तो ये चीज दिमाग पे बहुत असर करती है, बहुत लोगों को तकलीफ होती है, उनको नहीं पसंद आती ये चीज। तो ये भी प्रॉब्लम है, ये मेंटल जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो मेंटल डिफिकल्टीज होती हैं औरतें फेस करती हैं इस वक्त, उनमें से एक ये भी है। और अगर और जाएं तो देखें तो जो कहते हैं कि रिस्क फॉर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए इस वक्त इस दौर में आप कभी कुछ करें ना करें, इस दौर में ज़रूर अपना ख्याल रखें, अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छा सोचें, एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो कोई और कर रखने नहीं वाला, क्योंकि आप ही हैं जो बाकी सबका ख्याल रखती हैं, तो आपका तो कोई नहीं रखता। तो फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना ख्याल खुद रखें, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहें। ये हर उस औरत से, चाहे वो 20 साल की औरत हो, चाहे वो 50 साल की औरत हो, चाहे वो 60 की, चाहे 16 की, चाहे 30 की, सबको ये गुजारिश है सबसे, क्योंकि औरतों की प्रॉब्लम है कि वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना, और इतनी ज्यादा नर्चरिंग होती है बाय नेचर, कि उनकी आदत सी पड़ जाती है कि दूसरों के बारे में देखते रहना, दूसरों के बारे में सोचते रहना, अपना ख्याल ना रखना। फिर क्या एक टाइम आता है अगर कहीं अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए कि अब आपसे उठा ना जाए, आप बैठा ना जाए, या आपको आपके शरीर को काफी परेशानी हो जाए, तो फिर आप देखिएगा कौन आपका ख्याल रखेगा, कोई नहीं। तो फिर आपको लगेगा हे भगवान, तो जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं वही हमारे लिए नहीं मरने वाला आगे, तो फिर किसी के लिए मरे नहीं, जिसके लिए भी करना है जिए, जिसके लिए भी कुछ करना है अगर तो मरे नहीं जिए, अपना ख्याल रखें, क्योंकि जिंदा जो लोग हैं उन्हीं की वक्त है, जो हेल्दी लोग हैं उन्हीं की वक्त है, बाकी सब तो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी ना बने किसी के लिए, उसके लिए अपने हेल्थ को ध्यान रखें, मेंटल हेल्थ को भी बहुत करके, खास करके। तो मैं तो कहती हूँ कि आफ्टर सर्टन एज, ये जो सत्संग वाली बात हुआ करती थी ना कि बुढ़ापे में लोग मतलब अपना पूजा पाठ करने लगते, तो शायद इसीलिए है कि मेडिटेशन तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए, योगा तो स्टार्ट कर ही देना चाहिए, हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, जॉइंट पेन्स भी होते हैं लोगों को प्री मेनोपॉज में, पोस्ट में भी, सब तरफ, तो आर्थराइटिस का डर भी रहता होगा। तो फिर प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने जोड़ों का ख्याल रखें, कसरत करें और तंदुरुस्त रहें, और मेनोपॉज जो चिड़िया है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे एक्सपीरियंस में मुझे खास कुछ महसूस नहीं हुआ, हॉट फ्लैशेस आते थे लेकिन दे लास्ट, अभी भी आते हैं, दे लास्ट ओनली फॉर 30 सेकेंड्स और मे बी अ मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ लेकिन उस समय कैसा होता है, ये जो थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिन लोगों के हॉट फ्लैशेज लास्ट फॉर मिनट्स, लाइक 5 मिनट और 3-4 मिनट्स, वो किस दौर से गुजरते होंगे, क्योंकि पता अंदर से ऐसा महसूस होता है कि जैसे आग लग रही है, एक अजीब सा ना, और पसीना तुरंत फॉरहेड पर पसीना आ जाता है, आपको अंदर से पसीना छूटने लगता है बॉडी में,
मेरा तो हार्डली 1 मिनट के अंदर का ही होता है ड्यूरेशन, लेकिन उतनी देर में अगर मैं ऑफिस में बैठी हूँ, 2 मिनट पहले मुझे सर्दी लग रही हो तो उस वक्त मेरा जैकेट्स उतर जाते हैं, मैं पंखा करने लगती हूँ। कितने लोग आके पूछते रहे क्या वो मनी आई ओके, हाँ जी हॉट फ्लैश चल रहा है। बट मुझे और कोई तकलीफ नहीं हुई, तो इसकी इसका जो क्रेडिट है मैं अपने दिमाग को ही दूंगी। मुझे लगता है चूंकि मेरा दिमाग थोड़ा सुलझा हुआ है काफ़ी लोगों के कंपैरिजन में, इसलिए मुझे शायद उतनी तकलीफ नहीं हुई। या हो सकता है कि मुझे अपनी मदर के जीन्स मिल गए, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ था, तो मैं इस मामले में लकी रही हूँ। लेकिन सब नहीं होते प्लीज़, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें और इस चिड़िया से डरे नहीं, क्योंकि डर के तो क्या है, जो जो डर गया समझो मर गया। जो चीज़ आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो तो उसके लिए तैयार हो जाएं। अपना अगर अभी से आप ख्याल रखेंगे, जो लोग 42 या 40 की रेंज में हैं, 40s टच कर रहे हैं, वो लोग अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दें, अपने दिमाग को सही कर लें, तो हो सकता है कोई ये सब असर ही ना हो ज़्यादा, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया बाय।